के बारे में? पहली बात तो ये, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं कराया, माता जी ने कार्यक्रम कराया है। क्या बात। और मोहल्ले वासियों के द्वारा, कमेटी के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और हमारे छोटे भाई कुमार कौशिक जी ने यहाँ धमाल मचा दिया है। मोहल्ले वासियों ने ये कहा है कि आज तक ऐसा कार्यक्रम इस मोहल्ले में नहीं हुआ। देख बजाते हैं क्या? लाल गले में सोहे हार, माई का जवाब नहीं। लाल गले में सोहे हार, माई का जवाब नहीं। लाल गले में सोने खड़े हैं, जरा हाथ उठाए और हाथ पे से हलहरा के ना, क्या रूपगंज गो का नवरात्रि इतना महत्वपूर्ण एक पर्व है जिसमें लोग महीनों से तैयारी करते हैं, व्यवस्था करें कि कोई चीज़ छूटने ना पाए। सिंदूर लाना है तो चूड़ी लानी है तो बिंदी लानी है, माँ के पूजन के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। नवरात्रि में व्रत रहते हैं 9 दिन का, बहुत सारे लोग जो 9 दिन नहीं रह पाते वो द्वितीया अष्टमी को जरूर व्रत रहते हैं। ऐसे में पूरे नवरात्रि के दौरान एक अलग माहौल होता है, जगह जगह पर मूर्ति भी रखी जाती है। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि तरह तरह के आयोजन भी होते हैं। ऐसे में जहां एक और मैंने दिखाया कि नवरात्रि में किस किस तरह के अलग अलग जगह पर कार्यक्रम होते रहे, और मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सप्तमी को लोग मूर्ति स्थापित करते हैं बहुत सारे लोग, और दशमी के दिन विसर्जन होता है। तो नौमी यानी नवरात्रि की अंतिम रात्रि, जो कि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आइए आपको हम दिखाते हैं कि अयोध्या का नज़ारा कैसा है। अयोध्या आप देखिए कि किस तरह से सजी हुई है। यहाँ का लता मंगेशकर चौक की आपको हम दिखाते हैं एक छोटी सी झलक। आइए, प्रदेश के कोने कोने में नवरात्रि के रात्रि को लेकर के अगर हम बात करें तो हर जगह पर तरह तरह के आयोजन होते रहे। जहां पर गुजरात में गरबा और डांडिया का चलन, महाराष्ट्र में डांडिया का चलन, गरबा, इस तरह की चीजें उधर बहुत देखने को मिलती हैं। वेस्ट बंगाल की मुख्य पूजन अगर मान लें तो शायद गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, माँ दुर्गा की प्रतिमा किस तरह से वो लोग रखते हैं, पूरा उत्सव के रूप में वो मनाते हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दुर्गा पूजन होता है। ऐसे में अगर हम कहें कि देश के कोने कोने में महामाई का पूजन होता है तो शायद गलत नहीं होगा। पर अयोध्या, जहाँ एक तरफ चारों तरफ की अगर हम बात करें कि मूर्तियाँ रखी जाती हैं, तरह तरह से भक्ति भाव के साथ पूजन करते हैं लोग, जगह जगह पर कार्यक्रम होते हैं। आइए प्रमोद वन, प्रमोद वन जो कि अयोध्या में है, और प्रमोद वन में वर्षों से मूर्ति भी रखी जाती है। यहाँ पर महामाई का जो प्रतिमा रख करके पूजन पाठ कर रहे हैं लोग, उसकी तरफ भी मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन उस तरफ भी जरा दिखाएं लोगों को। यहां पर रात भर बड़ी भक्ति भाव के साथ कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम आप जो है देख सकते हैं। आइए आपको पहले हम दिखा देते हैं कि हमारा यहाँ का जो कार्यक्रम रहा, जिसको हमने प्रयास किया अपने कैमरामैन के साथ, उसको एक बार हम आपको दिखाते हैं। ताली बजाते हैं क्या? लाल गले में सोहे हार, माई का जवाब नहीं। लाल गले में सोहे हार, माई का जवाब नहीं। लाल गले में सोने खड़े हैं, जरा हाथ उठाए और हाथ पे से हलहरा के ना, क्या रूपगंज गो का आइए अब हम आपको मिलवाते हैं यह दुर्गा पूजन समिति
कि जो अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मुकेश तिवारी। मुकेश जी, यहाँ पर आप कितने वर्षों से प्रतिमा स्थापित करते हैं? इस मोहल्ले में लगभग 25 से 30 वर्षों से प्रतिमा स्थापित होती है। जय हो, जय हो। लेकिन मेरी भूमिका पिछले लगभग चार वर्षों से। इसके पहले मैं आर्मी में था, 2020 लास्ट में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद से मैं लगातार माताजी की सेवा कर रहा हूँ। आपने जो कार्यक्रम कराया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कार्यक्रम किसने किया, कैसा लगा लोगों को इसके बारे में? पहली बात तो ये, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं कराया, माताजी ने कार्यक्रम कराया है। क्या बात। और मोहल्ले वासियों के द्वारा, कमेटी के द्वारा यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। और हमारे छोटे भाई कुमार कौशिक जी ने यहाँ धमाल मचा दिया है। मोहल्ले वासियों ने ये कहा है कि आज तक ऐसा कार्यक्रम इस मोहल्ले में नहीं हुआ। देखिए, कार्यक्रम के बारे में देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की कि मैंने कार्यक्रम नहीं कराया, बल्कि सभी लोगों ने। इसमें आपकी कमेटी के बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, सबकी भूमिका होती है, पर अध्यक्ष जो पूरे अपने जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम को आयोजित कराता है, तो इसलिए शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो नज़ारा रहा, कुमार कौशिक जी जिस तरह के अपने भजनों को प्रस्तुत किए, इसीलिए शायद लोगों ने कहा कि आज तक कभी ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर इस पिछले 25-30 सालों में नहीं। आइए मिलते हैं अब यहाँ के जो कलाकार जिन्होंने पूरी रात्रि महामाई का गुणगान किया, भाई कुमार कौशिक जी, जो आज किसी पर्चे के मोहताज शायद नहीं है, एक अलग पहचान बना चुके हैं। कुमार कौशिक जी, आइए सीधे इनसे बात करते हैं। आप सभी को जय माता दी। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज को मेरा प्रणाम है। विगत कई सालों से प्रमोद वन में हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रेम कुमार जी, आदरणीय बड़े भाई मुकेश भैया और भी न जाने कितने भक्त रहे और कितने भक्त माँ के श्री चरणों में, लेकिन ये माँ की मूर्ति स्थापित रही। विगत कई सालों से माँ की ज्योत भी जग रही है। आज कई सालों के बाद माँ संपूर्ण रात्रि ज्योत रूप में प्रमोद वन में विराजमान रही, ये बहुत बड़ी बात है। और नवरात्रों में महारात्रि नवमी, जिसको माता महिषासुर मर्दिनी रात्रि कहते हैं, इस दिन साकेत नवदुर्गा पूजा समिति अयोध्या के सभी सदस्यों ने मिलकर बहुत ही भव्य और विशाल जागरण माने कराया कि ये इस दिन दुगुना फले और फूले। जय माता। विगत वर्ष मैं भी यहाँ के कार्यक्रम का साक्षी बना, यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो मुकेश फौजी भैया हमारे हैं, इनका प्रेम इसने इस बार ऐसा रहा कि हमें यहाँ पर आना पड़ा और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए। ये भी सौभाग्य की बात होती है कि महामाई के चरण में अपने जीवन को अर्पित कर दें। मुझे भी कभी कभी मंच पर जब बोलने का मौका मिलता है, मन संचालन का भी दायित्व यहाँ पर मैंने निभाया। भाई कुमार कौशिक जी, जो कि भले चाहे जितने बड़े कलाकार हो गए, पर इन्होंने मन संचालन के लिए मुझे याद किया, मैं यहाँ पर आया और इस बार इन लोगों ने फिर से मुझे याद किया, तो इसको मैं अपने सौभाग्य से जोड़ता हूँ। और ये 9 दिन की जो नवरात्रि रही, इसमें अलग अलग मंचों से जा करके अलग अलग विधा के कलाकारों के साथ थोड़ा समय बिता करके हमने एक अलग आनंद ली। सिर्फ 2 पंक्तियों से अपनी बात को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि मेरा कहना है कि महामाई को अगर अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दें, भाव अगर ये पैदा हो जाए, केवल 2 पंक्तियों में मैं सुनाना चाहूँगा कि हे माँ, तू खुशी के आंसू दे या गम के आंसू दे, दोनों मुझे स्वीकार है, मैं दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, बस इतना करना, तू मेरा साथ मत छोड़ना। बोल सच्चे दरबार की। इसी को मैंने 2 पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। क्या हे माँ, अशकों को पी लेंगे, अशकों यानी आंसुओं को, अशकों को पी लेंगे, होठों को सी लेंगे, अशकों को
पी लेंगे, होठों को सी लेंगे। ए मेरी माँ, जिस हाल में रखोगी उस हाल में जी लेंगे। जय माता दी। भला सोच लिया कैसे एमा, तुझ बिन हम जी लेंगे। मैं अपने कैमरामैन शिव पूजन भाई के साथ जो है जय माता दी बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। जय माता दी। ये रही नवरात्रि के अंतिम रात्रि की झलक, मैंने आपको अयोध्या से दिखाने की कोशिश की। आपने जहाँ एक और रावण दहन देखा, आपने जहाँ एक और माँ दुर्गे की प्रतिमा का विसर्जन देखा, उसी के साथ मैंने आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश किया। नवरात्रि की रात्रि में गोरक्ष पीठ से आ करके अयोध्या धाम में, वो भी प्रमोद वन में, अपनी प्रस्तुति को भाई कुमार कौशिक जी आप सभी तक पहुंचा रहे थे। जय माता दी। अगर आपके हुनर में है दम, तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान, तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।